हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए निर्देश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? योग साधना का, प्रेम का, कर्म का, भक्ति का। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास, रति, निर्वेद या फिर विस्मय। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, सरदार पटेल की, गुरु नानक की। तो दोस्तों, जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से तैयार कर लेने कल के पेपर के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे? तुलसी को, सूरदास को, कबीर को, लाल बहादुर शास्त्री को। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंह की खाना का क्या अर्थ है? भोजन करना, स्वागत करना, चुगली करना, पराजित होना। फिर इसके बाद छठा दिया हुआ क्वेश्चन, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, दामोदर प्रसाद, राजेश कुमार, शिव कुमार। फिर इसके बाद दोस्तों, इसके उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप इन उत्तरों को अच्छे से मिलान करके ऊपर से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट दिया हुआ, इसमें श्री कृष्ण पढ़ आए हैं, कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रात। ये दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये दोस्तों रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इसके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसके उत्तर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों, ये सही मिलान आपको अच्छे से मिलान कर लेने, इसके उत्तर भी यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, तो आपको अच्छे से मिलान कर लेने। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउनलोड ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है, उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी और कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 30 से 12वीं IIT जे या नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ ऐप पर। साथ ही डाउनलोड पर चल रही क्लास 6, 9वीं से 12वीं IIT जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो ये दोस्तों क्वेश्चन दिए हुए हैं 7 तक के, इसके उत्तर भी यहाँ पर दिए हुए दोस्तों आप देख सकते हैं, तो अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन के उत्तर देख लेने हैं। फिर इसके बाद पाँचवें क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। ये दिया हुआ है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर इसके उत्तर दिए हुए हैं, पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा असत्य हो जाएगा। सारे क्वेश्चन के उत्तर दिए हुए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, ये आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं, लघु उत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं और आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, जल्दी से दोस्तों देख लीजिए। इस प्रकार से ये आपका पेपर आने वाला है, जल्दी से देखते जाइए दोस्तों। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनकी भी मदद हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि उनके वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से पेपर उनका आने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन उनके आने वाले हैं। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जैसे भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।